हे गाइस, मानस हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। इस वीडियो में मैं LeEco Le2 के लिए अवेलेबल कार्बन रोम के बारे में बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रोम अवेलेबल है Le2 के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द मॉडल नंबर इज X526। सो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, इस रोम में बाकी सब कुछ अच्छा ही है। तो मैं अच्छा या नहीं बोलूँगा, एवरीथिंग इज सेम लाइक अदर कस्टम रोम फॉर Le2। तो जो बग्स है इस रोम में, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो जो मेन बग है यहाँ पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है यार ये कैमरा बग। पता नहीं क्यों कोई भी रोम में मुझे एक अच्छा कैमरा नहीं मिला। आई वेन ट्राई थर्ड पार्टी कैमरा ऐप टू बट नथिंग वर्क्स हियर। सब में सेम बग्स हैं। हाँ तो इस रोम में अगर मैं लेंस ब्लर ऑप्शन पर जाऊँ तो कैमरा क्रैश हो जाता है। वैसे ही वीडियो में जब वीडियो कैप्चर बटन दबाता हूँ, वीडियो कैप्चर तो होता है, दिखाएगा व्यू फाइंडर पे कि वीडियो कैप्चर हो रहा है। जब वो वीडियो फाइल तुम प्ले करोगे, एक स्टिल इमेज आता है और बैकग्राउंड में सिर्फ ऑडियो प्ले होता रहता है। मैंने इस रोम को लेके अब तक 4 रोम ट्राई किए हैं और 4 में सेम बग्स हैं। आई एम क्वाइट डिप्रेस्ड नाउ। सेकंड बग जो है वो है आयर ब्लास्टर बग, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और इसलिए आई डोंट केयर अबाउट दैट। इन दोनों बग्स के अलावा ये रोम बिल्कुल सही है। इसमें एक थीम मैनेजर एप्लीकेशन भी है, जिसके मदद से आप पूरे इंटरफेस को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बूट एनिमेशन चेंज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ज़्यादातर थीम्स पेड थीम्स हैं, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। सो बस इस रोम के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।